कल ही अखबारों में एक रिपोर्ट आई है, हेलीकॉप्टर घोटाले का बिचौलिया, कांग्रेस के करप्शन का राजदार मिशेल, जिसको विदेश से यहां लाया गया है, उसकी एक चिट्ठी से खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है, इस राजदार की कांग्रेस के टॉप के नेताओं मंत्रियों से गहरी पहचान थी, उठ बैठ थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सी फाइल कहां जा रही है, इसकी उसको पल 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 प्रति पल की जानकारी रहती थी। संभवतः जितनी जानकारी खुद प्रधानमंत्री को नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा जानकारी उस जमाने में बिचौलियों को रखा करती थी। इतना ही नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो देश की सेना, देश की सुरक्षा, देश के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने पर फैसला लेती है, उसकी बैठकों की भी पूरी जानकारी उस तक पहुंचती थी। इसी जानकारी को वो विदेशों तक पहुंचाता था। हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर तब कौन सा मंत्री क्या फैसले ले रहा था, उसकी पूरी जानकारी वो विदेश भेज रहा था। साथियों, समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश के बजाय बिचौलियों के हितों की रक्षा में जिस जिसकी भूमिका रही है, उनका पूरा हिसाब जांच एजेंसियां करेगी, देश की जनता करेगी।